और लखनऊ से आ रही है शीला कौल के आवास से निकली है प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों से मीटिंग कर रही थी और मीटिंग खत्म हो चुकी है। सभी पदाधिकारियों से मुलाकात और चर्चा। सुन रहे हैं लखनऊ से सीधे प्रियंका गांधी जो यूपी प्रभारी हैं कांग्रेस की, कांग्रेस महासचिव हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रही हैं, उनका मनोबल। उस लक्ष्य की ओर काम करें। आप सबने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। सड़क पर आपने आंदोलन की, जिनको पीड़ा हो रही थी आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। इसी तरह से जितने भी मुद्दे उठे आप सब आगे बढ़े। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ आपको कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता का जो संघर्ष है, जनता की जो भावना है, उससे जुड़िए। जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप नए लोगों को अपने संगठन में लेकर पुराने लोग, वरिष्ठ नेता को साथ चलाकर काम करेंगे, तभी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप सब अगर कांग्रेस के संगठन में उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा आई है तो आप लाए हैं। अगर संगठन आज दिख रहा है तो ये कार्य आपने किया है। अगर आप चर्चा में आए हैं, कांग्रेस चर्चा में आई है, तो ये कार्य भी आपने किया है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर न्याय पंचायत में हमारा संगठन बना है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए
कि आज हर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, जिसके बाद आप ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे और कमेटियों का गठन करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात, इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संगठन बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, उसकी भी वजह ये है कि हम सब ने एक साथ काम किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा, आपको चुनाव जीतना है सुन लीजिए, लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी है, तो सुन लीजिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको कि मन बनाइए, मजबूत बनिए और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को जो लगातार इन लोगों के बीच में हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, उनका मनोबल बढ़ा रही थी और उनमें ऊर्जा फूंकने का काम कर रही थी। हालांकि इस दौरान काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो नज़र आए, उनमें उत्साह नज़र आया, काफ़ी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारेबाजी भी की और जमकर नारेबाजी की। तो कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने तैयार रहने को कहा, उनमें ऊर्जा फूंकने का काम किया और साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाया और सीधे तौर पर कहा कि 24 घंटे काम